जो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के बारे में, तो प्यारे बच्चों हमारा देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया कि यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों हमें पूछ रहा भैया कि आइडेंटिटी की मदद से हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना। अब तक हम लोग कैसे करते थे कि भैया हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग इसको आसान कैसे बनाए थे, अपने तीन चार आइडेंटिटी पढ़ी थी। हमारी पहले आइडेंटिटी क्या थी बताइए, तो ए प्लस बी का हमने होल स्क्वायर पढ़ा था, बताइए क्या होता है, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए आप लोग, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार हमने एक और पढ़ा था ए प्लस बी अगर ए ब्रैकेट में हमारा है, अगर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है इसका क्या होता है बताइए आप लोग, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो भैया हमारा सिंपल ही था। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और हमारा था कि अगर मान लेते हैं आपको ए प्लस एक्स दे दिया प्यारे बच्चों और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस वाई दे दिया, तो इसका हम लोग कैसे करते थे बताइए आप लोग, हाँ बहुत सही, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई आपका ए प्लस आपका एक्स वाई, यही होता था कि नहीं, बिल्कुल होता था प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों बस हमें यही ध्यान में रखना कि भैया हम लोग कौन सा कब यूज करेंगे उसका हमें ध्यान रखना, तो हमें ये चार प्रॉपर्टी ध्यान रखनी, पहला ये हमारा, दूसरा हो गया ये हमारा, तीसरा और ये हमारा फोर्थ हो गया। एक बार आप लोग मेमोराइज कर लिए ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए हमारा पहला वाला क्या है, x प्लस थ्री है, x प्लस थ्री है, यानी प्यारे बच्चों हमारा दो बार मल्टीप्लाई है, तो हम लोग नहीं x प्लस थ्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, हमने प्यारे बच्चों देखिए पढ़ा है कि अगर कभी आपका a इंटू ए रहता था क्या हो जाता, दोनों सेम रहता तो हमारा ए स्क्वायर हो जाता था, नहीं बिल्कुल हो जाता था। या तो आप ऐसे समझ सकते जब आप लोग टू का टू मल्टीप्लाई करते थे तो फोर आता था कि नहीं, कैसे आता था, टू की पावर टू हमारी हो जाती थी। तो वही है प्यारे बच्चों बात कि भैया हमारा दो बार है तो हमने स्क्वायर कर दिया, तो भैया ये हमारा पहले वाला फार्मूला को सेटिस्फाई करेगा, यानी हम लोग का या ए स्क्वल टू हमारा एक्स हो गया, बी स्क्वल टू हमारा क्या हो गया थ्री हो गया। तो बस वैल्यू रखते जाइए, ए पहले बार हमारा क्या होगा ए स्क्वायर मतलब भैया क्या बताइए आप लोग, हाँ चलिए मैं एक बार और फार्मूला लिख देता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था मेरे साथ बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, बिल्कुल होता है। तो प्यार जो ए की जगह हमें क्या रखना है एक्स रखना है, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी की जगह हमें क्या रखना है थ्री रखना है, तो यानी प्यार से यहाँ पर थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए की जगह एक्स हमारा है, बी की जगह हमारा थ्री है, तो यहाँ से आप लोग करिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स होगा, तो यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर हो गया। तो कुल मिलाजुला अगर हमें क्या करना है कि भैया जो हमारे इन चारों में से फार्मूला लगेगा उसी को अप्लाई करना है, अभी धीरे धीरे हम और बहुत सारे सीखेंगे। उसी प्रकार आपका सेकेंड है, एक बार अपने से आप लोग करिए क्या दिया, टू वाई प्लस फाइव दे दिया प्यारे बच्चों, और हमें क्या दे दिया है टू वाई प्लस फाइव दे दिया, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे पहले आप, तो प्यारे बच्चों हम वैल्यू रखते हैं इसका हमारा क्या है पहले वाले पर बेस है, ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे प्यारे बच्चों बताइए, ए की जगह आप लोग टू वाई रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे आप लोग फाइव रखेंगे। तो पहला क्या था ए स्क्वायर, यानी प्यारे बच्चों आपका टू वाई का होल स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स क्या होता है ए, हमारा क्या है ए हमारा टू वाई है, बी हमारा फाइव है, तो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो क्या आएगा फोर वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस यहाँ पर क्या होगा ट्वेंटी वाई हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो कुल मिला जो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है कि भैया हमें फार्मूला बस ध्यान रखना है तो हमारा सारा काम आसानी से हो जाएगा। इसी में आपका प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमें देखिए क्या दिया है, आपका टू ए माइनस सेवन दिया है, और क्या दिया प्यारे बच्चों टू ए माइनस सेवन दिया है, तो चलिए सबसे पहले इसको आप लोग करिए ठीक है, कर लिए देखिए प्यारे बच्चों ये भी तो हमारा क्या हो जाएगा टू ए माइनस सेवन का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों ए हमारा कौन सा है, इसमें हमारा सेकेंड वाला फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, ए की जगह आपका क्या है टू ए है, बी की जगह क्या है आपका सेवन है, तो क्या आता फार्मूला बताइए आप लोग, ए स्क्वायर यानी प्यारे बच्चों टू ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान मतलब सेवन का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस क्या होता है माइनस टू ए हमारा टू ए है, बी क्या हमारा सेवन है, तो इसको ओपन करेंगे तो भैया हमारा थर्ड पार्ट भी हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग को फोर्थ वाला करिए, फोर्थ वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में, क्यों, क्योंकि यह थोड़ा सा हमारा अलग है, क्या है एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दूसरे ब्रैकेट में प्यारे बच्चों क्या है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो प्यारे बच्चों यह हमारे किससे लगेगा, देखिए दो ब्रैकेट में तो आग मन का हम लोग थर्ड वाला ही लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है ए माइनस बी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है कि नहीं, बिल्कुल है प्यारे बच्चों। तो क्या होगा आप लोग, तो प्यारे बच्चों इसको हम थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है,
इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, उससे तो भैया कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हमारा क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि हमारा यहाँ पर हम ए स्क्वायर ए की जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर रखेंगे, बी की जगह क्या आएगा बताइए आप लोग, हाँ बी स्क्वायर रखेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा फार्मूला क्या होता है कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह हमारा क्या रहेगा, हम प्यारे बच्चों बी वाला लेंगे। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए बी यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर भी प्लस में रहना चाहिए, ठीक है। या तो भैया आप लोग इसको नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे लिख लीजिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप समझ में आया। हाँ तो अब कैसे होगा, यानी भैया इसका स्क्वायर और ए का स्क्वायर, यानी प्यार से बी का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स आप ए स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ ए तो स्क्वायर भैया इसके पास पहले से था तो, और एक स्क्वायर तो हमारा आएगा ही है, तो यहाँ से हमारा फार्मूला कैसे क्या आएगा, बी की पावर फोर माइनस ए की पावर फोर। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिमाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग और सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे प्यार जो आपको सेवन भी क्वेश्चन दिया, इसके आगे वाला क्या दिया है, सिक्स एक्स माइनस सेवन, और क्या दिया है, सिक्स एक्स प्लस सेवन। तो प्यारे बच्चों एक बार करिए आप लोग, कर लिए, हाँ ये इसमें हमारा कौन सा लगेगा, वही वाला लगेगा, फोर्थ वाला, सॉरी थर्ड वाला, क्या ये वाला लगेगा ना, ए प्लस बी का एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हमारा ए माइनस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा प्यारे बच्चों। तो भैया ए भी तो वही है ना, तो हमारा क्या आ गया, यानी भैया आपका सिक्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ सेवन का स्क्वायर, यानी प्यारे बच्चों 36x² माइनस 49, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया। तो कुल मिला जुला कर प्यारे बच्चों हमें जो हमें दिया रहेगा उसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों चलिए आप ये सेवन एट्थ वाला करिए, क्वेश्चन नंबर क्या दिया, माइनस ए प्लस सी दिया है, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, माइनस ए प्लस सी दिया, इसमें कौन सा लगेगा, हाँ इसमें प्यारे बच्चों आपका सेकंड वाला ही लगेगा। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर देखिए दोनों सेम है कि नहीं, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया सेकेंड वाला फार्मूला लगाइए, आपका मिल जाएगा आसानी से। तो प्यारे बच्चों यही ओवरऑल आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो बहुत ध्यान से बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो ईमानदारी से उसे करके बताइए, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। बस प्यारे से हमें कुल मिला जुला कर क्या बात याद रखने की, भैया एक से लेकर चार तक जितने हमारे फार्मूले सबको याद रखना, ठीक है।